इंडियंस को पहली बार कॉफी का चस्का देने वाली कैफे कॉफी डे कर्ज में डूबने के कारण दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई है। दरअसल नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT ने कैफे कॉफी डे की पेरेंट कंपनी कॉफी डे एंटरप्राइजेस के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं। कंपनी ने 228 करोड़ रुपए का डिफॉल्ट किया है, जिसके बाद NCLT ने IDBI ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड की याचिका को स्वीकारते हुए एक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की भी तैनाती कर दी है। कॉफी डे एंटरप्राइजेस एक रिजॉर्ट की ओनरशिप के साथ ऑपरेशन भी करती है और कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रदान करने के साथ कॉफी बीन्स के कारोबार में भी है। कंपनी ने रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के कूपन पेमेंट में चूक की थी। इसके बाद सभी डिबेंचर्स होल्डर्स की तरफ से डिबेंचर ट्रस्टी ने 28 जुलाई 2020 को कंपनी को डिफॉल्ट नोटिस जारी करने के लिए NCLT से संपर्क किया था। वहीं दिवालिया होने की खबर के बाद कॉफी डे एंटरप्राइजेस के शेयर्स में आज इंटरडे में 20% तक की गिरावट देखने को मिली। आज क्लोजिंग के समय कंपनी का शेयर 15% की गिरावट के साथ करीब 40 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा था। कैफे कॉफी डे में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए पैसा लाइव को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल ABP Live Premium।